नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीराम चौहान और आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट एक्वा टेक में। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अंडा देने वाला मछलियाँ एक टैंक में दे दिया गया है, वो टैंक में मछलियाँ घूमते हुए पानी में आपको देख रहे हैं कि वो मछली घूम रही है। वो मछली जैसे ही वो उस टैंक में अंडा देती है, फिर क्या किया जाता है कि उस अंडा को निकाला जाता है। निकालने के बाद वो क्या किया जाएगा कि जो अंडा है वो अंडा को दूसरा टैंक में दे दिया जाएगा। देखिए ये अंडा मछली इसमें दे दिया है, ये अंडा क्या किया जाएगा आपसे, फिर आपको दूसरा टैंक में दिया जाएगा। जो टैंक में पानी घूमता रहेगा, घूमने का साथ साथ क्या होगा, पानी के आधार से वो अंडा आपको फूटते हुए दिखेगा। देख सकते हैं कि ये अंडा घूम रहा है, वो अंडा पानी का धार में घूम रहा है। जैसे ही वो पानी का धार में घूमता रहेगा और घूमने के बाद क्या होगा कि अंडा मछली छोटी छोटी मछलियों में आपको कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगा। जैसे ही मछली अंडा इसमें से फूट जाता है, फूटने के बाद आपको छोटी मछलियाँ देखने को मिलेंगे। जैसे ही छोटी मछलियाँ क्या होगा निकलने के बाद, वो बड़े टैंक में कुछ दिन रखने के बाद आपको क्या होगा कि देखिए ये आपको मछलियाँ क्या किया गया है कि बड़े टैंकों में रखा गया है। रखने के बाद ये मछलियाँ बड़े हो गई है, हो जाने के बाद ये मछलियाँ क्या किया जाएगा आपको, फिर क्या है कि बड़े 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 फिशरियों में छोड़ दिया जाता है। तो अभी ये मछलियाँ साइज़ का लायक हो गई है फिशरी में देने के लिए। अब इस मछलियों को धीरे धीरे करके क्या किया जाएगा कि अलग अलग फिशरियों में इस मछलियों को छोड़ दिया जाएगा। और साथ में क्या है कि आप आगे देख सकते हैं कि मछलियाँ फिशरी में छोड़ने के बाद मछलियों को साइज कैसे है। वह देखिए अभी आप ये देख सकते हैं कि ये फिशरी में देने वाला मछली है, ये दे दिया गया है। ये मछली का साइज, ये आपका कमल काप मछली है। ये मछली फिशरी में ही ये दिखाया गया है। ये मछली का साइज मोटा मोटी बड़ा हो गया है। इसी प्रोसेस से क्या है कि ये चेन सिस्टम का सिस्टम से ही हर प्रोसेस चलता रहता है। तो आप इतना से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मछली भी अंडा से ही क्या होता है कि मछली फिर अंडा से छोटी मछली होती है। छोटी मछली को कुछ दिन रखने के बाद फिर क्या है कि बड़ा टैंक में दिया जाता है। वो बड़ा मछलियाँ फिर धीरे धीरे क्या किया जाता है कि बड़े फिशरियों में दे दिया जाता है। और इसी हिसाब के आपको देखने को मिलता है मछलियों